व्लॉग है और मैं सबसे पहले नहा धो के तैयार हो गया हूँ। बाकी के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वो कोई अभी बिस्तर में पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो 5 बजे उठ के भाग के चले गए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो गाइस हम सब तैयार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं एक सफारी पार्क में। तो सब भाई रेडी हैं, देखो। तो मेरी ड्यूब भाई चला रहा है, उसकी बाइक मैं चला रहा हूँ। फतेह सफारी शूट करके ये जगह है, ऊपर हाइट पे काफ़ी, तो सारे दोस्त लोग यहाँ चिल करना है। काफ़ी मस्त प्रॉपर्टी है। तो गाइस नज़ारे देखो पीछे, जबरदस्त है, ऑसम। फतेह स्वीट पैलेस करके इस जगह का नाम है, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है और कुंभलगढ़ में आई है। बहुत ही पुराना और एंटिक स्कूटर पड़ा है, प्रिया एपीआई वाला, और ये पीएट पड़ी, देखो इसके गेट इधर से बंद, ये देखिए आप।
अब हम कुंभलगढ़ जा रहे हैं। तो गाइस अब मैं आपको किला दिखाने वाला हूँ, चलो मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर हमारे सिर की पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों, हमारे राजस्थान में वैसे तो किलों की कोई भी कमी नहीं है, पर लेकिन कुंभलगढ़ का किला अपने आप में अद्वितीय है और सबसे अलग है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह जी का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या का यह साक्षी रहा है। ये किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख का किरकिरा रहा है, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी वे उस पर कभी अधिकार नहीं कर पाए। मित्रों, 36 किलोमीटर के विशाल धरातलीय भूभाग में फैला यह किला मेवाड़ के प्राचीन इतिहास तथा वीरता का साक्षी रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। क्षेत्रफल के लिहाज से चित्तौड़गढ़ के किले के बाद राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा किला है। इसी वजह से दुनिया के हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़ सबसे प्रमुख था। मित्रों, कुंभलगढ़ के इस किले का एक और नाम है, वो नाम है अजयगढ़। क्यों? क्योंकि इस किले को कभी भी शत्रुओं द्वारा जीता नहीं जा सका। दोस्तों, इस महान दुर्ग को बनाने में पूरे 15 वर्षों का समय लगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में टोटल 360 मंदिर हैं। किले के अंदर प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें राम द्वार, बग्र द्वार, हनुमान द्वार आदि प्रसिद्ध हैं। इस किले के अंदर कुल 360 मंदिरों का समूह है, जिसमें 300 जैन मंदिर है और 60 हिंदू मंदिर है। इनमें से नीलकंठ महादेव के मंदिर का महत्व अन्य मंदिरों से भी ज़्यादा है। उस मंदिर का शिवलिंग इतना ऊंचा है, इसके बारे में कहा जाता है कि राणा कुंभा उसकी बैठ के पूजा किया करते थे, त्रिपुंड बनाते थे और जलाभिषेक करते थे उस शिवलिंग का। अगर आप अभी जाएंगे कभी भी तो वो शिवलिंग देखिएगा। उस शिवलिंग की जो हाइट है लगभग 5.5 फीट है। अगर आपकी हाइट 5.5-6 फीट भी है ना दोस्तों, तो भी आपको जल चढ़ाने में, खड़े होकर भी जल चढ़ाने में थोड़ी तकलीफ होगी। उसकी राणा कुंभा बैठ के पूजा किया करते थे। तो राणा कुंभा की हाइट क्या रही होगी, आप सोचिए, इतने बलशाली वो थे। राणा कुंभा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उनकी आज भी मिसालें दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, मेवाड़ का जो इतिहास है वो बहुत ही अद्वितीय, अद्भुत और गौरवशाली है। जितनी हम तारीफ करें उतना कम है इन योद्धाओं की। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बादल महल में, जो कि सच में बादलों के बीच में है। क्योंकि वहाँ जब आप पहुँचते हो तो जो ये पानी वाले बादल हैं ये आपके नीचे रहते हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग की इस विशालकाय दीवार के निर्माण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। 1443 में राणा कुंभा ने जब किले का निर्माण शुरू किया था, और जैसे जैसे दीवार का निर्माण आगे बढ़ा वैसे वैसे दीवार रास्ता देती चली गई। दरअसल इस दीवार का निर्माण भी इसीलिए करवाया जा रहा था ताकि विरोधियों से इस किले की सुरक्षा हो सके, लेकिन दीवार थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यानी कि दीवार को जहाँ से पैक करना चाहते थे ना पूरी तरह से क्लोज, वो नहीं हो पाता था। तो कारीगरों ने राजा को इसका राज बताया कि यहाँ पर किसी देवी का वास है। कारीगरों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और एक संत को बुलाया तथा उन्हें पूरी बात बताकर उनसे समाधान पूछा। संत ने बताया कि देवी इस काम को तभी आगे बढ़ने देगी जब स्वेच्छा से कोई मानव अपनी बलि के लिए तैयार होगा, या कि बलि के लिए, नर बलि के लिए प्रस्तुत होगा। राजा को इस बात से बहुत चिंता हुई और वह सोचने लगे कि आखिर कौन इस बात के लिए तैयार होगा स्वयं की बलि देने के लिए। तभी जो वो संत थे उन्होंने कहा कि वे खुद बलिदान देने के लिए तैयार हैं, मैं खुद नर बलि दूंगा और इसके लिए राजा से आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि शर्त यही है कि उसे इस पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहां वो रुके उसे वहीं मार दिया जाए, वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए। संत की बात पर राजा ने वैसा का वैसा ही किया। वो टोटल 36 किलोमीटर तक चलने के बाद रुक गए। तभी उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जहाँ पर उनका सिर गिरा दोस्तों, जहाँ पर उनका सिर गिरा वहाँ किले का मुख्य द्वार है, और जहाँ पर उनके शरीर का धड़ गिरा वहाँ पर दूसरा मुख्य द्वार है। ये किला चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों की मजबूत ढाल से सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो दोस्तों, बादल महल से पहले यहाँ पड़ता है तोपखाना। ये देखिए आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कैनन हाउस। तो एक कैनन हाउस दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, ये जो तोप है अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है कि बारूद भरो और गोला भरो तो आप डायरेक्ट गोला दाग सकते हो। तो दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है, ये तेज आए, उससे पहले हम बादल महल पहुंच जाते हैं ऊपर।
नजारे काफी मस्त होंगे। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के शासन के तहत मेवाड़ का राज्य रणथंभौर से ग्वालियर तक फैला था। इस विशाल साम्राज्य में मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के विशाल इलाके भी शामिल थे। लगभग 84 किले अपने दुश्मनों से मेवाड़ का बचाव कर रहे थे। कितना अच्छा। इन 84 ऐतिहासिक एवं भव्य किलों में राणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण स्वयं करवाया था। राणा कुंभा द्वारा डिजाइन किए गए सभी किलों में से कुंभलगढ़ का किला भी, जो मेवाड़ के इतिहास और कुंभलगढ़ के इतिहास में एक मील का पत्थर है। गाइस देखिए, पुराने जमाने में इतनी बड़ी भट्टियां हुआ करती थी, इसमें खाना बनता था। कितनी बड़ी भट्टी है यार। इसके बाद ऊपर बादल महल दिखाएगा कि हम बादल महल पहुंचे और बारिश शुरू हो गई। हाँ, ले पकड़, तेरा ग्लव्स गिर गया था। थोड़ी सी कम हो गई है। मजा आ गया यार, बाकी सच में काफी ऊपर है यार। रेंज यहाँ से कितनी खूबसूरत नजर आ रही है यार, बहुत ही अल्टीमेट। बारिश का मौसम बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आई थी, अब वापस आने वाली है। दोस्तों मैं हूँ अभी राजस्थान के सबसे अभेद्य किले कुंभलगढ़ में। देखिए मेरे पीछे कितना गजब नजारा है। बादल जो है नीचे आ गए, हम अभी हम बादल महल के अंदर है। कहाँ है, बादल महल बोलते हैं, काफी गजब। मुझे पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो रोड है जहाँ से हम किले पे आते हैं। दोस्तों अब नीचे चलते हैं। कैसा लगा आपको ये किला, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वो जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अंधेरा हो गया। यहाँ वानर राज ने चिप्स चोरी कर ली चिप्स और चॉकलेट जो है चोरी कर लिए, कुरकुरे वगैरह। अब नहीं देने वाले किसी को दे दे यार, मुझे दे दे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लो, ताकि आपको नए वीडियोज की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी बराबर। ठीक है ना, हम इसी तरह मस्ती करते रहेंगे, अभी ब्लॉग बनाते रहेंगे, खूब मस्ती करते रहेंगे। अभी आगे चलते हैं। सामान पैक कर लिया, बंजी कोट ले जाकर मैं बांधने की तैयारी कर रहा था। इतने में देख लो इतनी ज़बरदस्त बारिश आ गई यहाँ। अभी जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। अभी थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे, क्यों, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है दोस्तों। देखो आप, बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो, ऐसा लग रहा बाढ़ आ जाएगी सर। अपन जब आए थे, जब बहुत अच्छा था पिछली बार, जो कमी मैंने मेरे को लगी, तो मैं लीड कर रहा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड आगे निकल रहे थे, और उसके बाद थर्ड फोर्थ जो है वो काफ़ी गैप में आ रहे थे। तो ये साइन शायद मालूम नहीं है किसी को, ये वाला साइन जो है वो स्पीड अप के लिए,
अच्छा। तो सेकंड वाला अगर फॉलो द टेल करता है, फॉलो द टेल में वो देखता है पीछे जा रहा है, तो उसको एक इशारा करना है कब। ये सेकंड के लिए नहीं है, सबके लिए लागू। अगर 7-8 भी अगर हो रहा है तो उसको स्पीड अप का इशारा करना है, ये स्लो डाउन का है, ये स्टॉप का है, धीरे से करके धीरे धीरे करके स्टॉप करना है। अब अल्टीमेटली स्टॉप करना है तो वही ब्रेक लगाना है। जब भी ब्रेक लगाते हैं तब लाइनअप ऐसे होना चाहिए, अगर कोई फोटोग्राफ भी ले रहा है तो वो बहुत अच्छी है, ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं हो। सही बात है, यहाँ से व्हाइट लाइन से नीचे ही करेंगे। अब हमारा जो रूट है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, हम गोमती चौराहा और गढ़बो चारभुजा जी होके चलेंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और जो नज़ारे हैं वो काफ़ी औसम है। अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बारिश रुक चुकी है, उसके बाद वरना बारिश शुरू होगी तो फिर वो दिक्कत होगी। हालांकि अब बारिश भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो कैसा लग रहा है? कैट स्मार्ट बंदा, एकदम कैट। कैट मीन्स तगड़ा। नहीं चल रही साइड में, ले स्टार्ट नहीं हो रही, क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कर रही है, हम इतनी देर से इसको टॉइंग कर रहे हैं, तो अब कुछ जुगत लगाते हैं, इसमें दिक्कत क्या हो रही है बस चेक करते हैं। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है ओवरफ्लो हो गई। नहीं नहीं, कचरा आ रहा है जिसको खोलना चाह रहा है। हाँ, निकाल दो ना। तो गाइस हमारे साथ जो भाई, इनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू, तो ये बहुत अच्छे राइडर हैं और साथ ही साथ ये इंसानों के डॉक्टर भी हैं, और इन्होंने ये बाइक के डॉक्टर भी है। अभी देखो बाइक ये प्रॉब्लम कर रही थी, आपको पता है मैं टोइंग कर रहा था इसको, इसको स्टार्ट कर दिया, इसके कार्बोरेटर है, कोई दिक्कत नहीं, शायद कचरा वगैरह आ रहा था, साफ कर दिया इसको। तो अब राइड जो है एकदम फ्लो के साथ चलेगी। चैनल है यूट्यूब एजेसिंग ब्लॉग्स, को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मजा आ रहा है, लेकिन इसमें सबकी एक एक बार गिर रही, मजा आ रहा है। एक ही बार में चढ़ेगी, शक्ति रेस्टोरेंट करके है, तो अब यहाँ भोजन प्रसादी होगी, सब भाई लोग यहाँ चेपा चेपी करेंगे। भूख लग रही है बहुत जोर से, जबरदस्त भूख लग रही है सबको। मुझे तो बहुत खतरनाक वाली लग रही है, खाना खाना नहीं खाना, बहुत भूख लग रही है। तो दोस्तों यहाँ भोजन प्रसादी के लिए रुके हुए हम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच ब्रो। तो कुछ बोल दो हमारे सब्सक्राइबर्स को। Please subscribe and likes, comment, whatever you want to do, man. जो भी करना करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत मेरा ना क्या कहूँ, मैं तशरीफ घिसता हूँ एडिटिंग में बहुत लंबे टाइम तक। अभी ऑर्डर वगैरह कर दिया, थाली वाला सिस्टम है, बहुत भूख लग रही है यार सच में, क्योंकि मौसम भी ठंडा, हम गीले भी हो गए बारिश में, और सुबह बस खाली नाश्ता किया था, उसमें वो क्या नाम पोहे वगैरह लिए थे, तो अब खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी। गोमती चौराहे के शिव शक्ति रेस्टोरेंट पे खाना वाना खा के अब हम निकल गए।
मच्छियों के लिए, तो उनको डाल देते हैं अब ये भूखी मच्छियों के लिए। एक साथ इतना सारा स्टफ लिया हमने। ओए आराम से पीछे झील में पड़े होते थे ना, कोई बचाया मैं तो तैर भी ना। तो हम नीचे तक आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ स्लिपरी है, ध्यान रखना सब स्लिपरी है। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड उधर आना। हाँ जो भी करो बड़ा करो, बड़ा करो। मिलके खत्म करेंगे इस ब्लॉग को, मैं अकेला खत्म नहीं करूंगा। अभी एंड नहीं हुआ, अभी चाय पानी चलेगी। कल सबकी गाड़ी में ऑयल है, बिल्कुल ज्यादा लंबी मत मारना, सुन छोटी मारना, बस यहीं तक रोक देना, यहाँ तक तो कह रहा हूँ। हाँ धमाकेदार व्लॉग हमारा, हमारी जो टीम है आयरन राइडर्स भिलवाड़ा की, उसके साथ हम कुंभलगढ़ गए, हमने खूब इंजॉय किया। ये जो ब्लॉग है दो एपिसोड में आया क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था स्टफ, तो सब भाई लोग कुछ कह रहे हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और भी नए नए टूर करते रहेंगे और मस्ती करते रहेंगे, खूब सारा स्टफ आएगा, तो बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।